बाबू, गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही मुख्य लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए की दिख रही हो, लेकिन जेडीयू वर्सेस एलजेपी की लड़ाई भी तल्ख होती जा रही है। चिराग पासवान ने तो पहले ही तल्ख तेवर अपना लिया, लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने इन सब के बीच घी डालने का काम किया है। दरअसल उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि मोदी ने चिराग पासवान को नीतीश की लंका जलाने के लिए भेजा है। उन्होंने चिराग को अपना हनुमान, नीतीश कुमार को तबाह करने के लिए बनाया है। दरअसल इमरान प्रताप गढ़ी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। वो शायरी के माध्यम से, गानों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि इस बार जो जीत होगी वो महागठबंधन की होगी, लेकिन इसी दौरान वो ये बड़ा बयान दे देते हैं। देखिए किस तरीके से इमरान अलग अलग इलाके में जाते हैं और गानों के माध्यम से जनता से अपील करते हैं। तो फिर आप बस इस खेल को समझ लो, मोदी जी ने चिराग पासवान नाम के हनुमान को भेजा है नीतीश जी की लंका जलाने के लिए। मोदी जी बहुत शातिर आदमी है, नीतीश जी इस बार फंस गए हैं, वो अंक संघ इसीलिए बोल रहे हैं, बौखलाए इसीलिए हैं। अरे नीतीश बाबू, गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। जनता ने इस बार मन बना लिया है, 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी और 10 नवंबर को नीतीश जी की रिहाई होगी। तो जीत के जश्न में एक बार फिर यही हेलीकॉप्टर, बहुत शुक्रिया, फिर आऊंगा बहुत जल्दी, हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा है। कि मंजू वर्मा जिसमें बालिका गृह के अंदर, बालिका गृह के अंदर जहां शोषण हुआ महिलाओं का, जहां महिलाओं का शोषण हुआ,